राम राम जी। आप सब कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग आज हमने ठीक है। कल दोपहर में गए थे दादी के पास, बिस्कुट खिलाए थे पानी में बोल कर, बस थोड़ा बहुत खाए थे। उसके बाद नहीं खाए, पानी पिलाए थोड़ा सा, एक चम्मच, उसके बाद पी ली। दादी भोर में इंस्पायर हो गई। क्या करें, कैसे करें? कुछ नहीं समझ आ रहा है, दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कहाँ मिलेंगी दादी? दादी तो नहीं मिलेंगी अब, कितना भी कुछ कर लो। कुछ टाइम बाद दादी जाएंगी, फिर दादी कहाँ मिलेंगी? दादी कहाँ मिली है ना? नहीं मिलेंगी दादी। पता नहीं ये दिन क्यों आता है, नहीं आना चाहिए। पूरा सुबह से एकदम बाहर एकदम भीड़ भीड़ सा हो रखा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, कैसे रहेंगे, पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस दादी के पास जाने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है, मतलब कैसे उनके पास जाएंगे? अरे बस पूरा ही सकनु हॉस्पिटलवा के समनवा से रास्तावा का दिया सीधा आशीर्वाद के ताले में से होते हुए। अरे वो देख के बेटा वो इसकी आवाज दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। भगवान पता नहीं क्या होगा, कैसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। दादी हमें छोड़ के जा रही है, ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। पता है कि ये होगा लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब हो गया, सब चले गए। आप सबको दुखी करने का इरादा नहीं था, मतलब आप सब भी उदास हो, मतलब हो गए होंगे, लेकिन क्या करें, समझ में नहीं आया कुछ। अभी कुछ जस्ट नहाते उठे हैं, अब जाके थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब कहीं सुबह से इतना तगड़ा वाला सर में दर्द था पता नहीं, और 3 बजे भोर में तो इतना तेज भाई साहब धक 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 कर रहा था, पूरा एकदम पूरा घबरा, मतलब घबराहट सा हो रहा था, पता नहीं कैसे 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 कैसे। अब जाके ठीक हुआ। अब सबने समझाया कि दादी आपकी 90 वर्ष की हो गई थी, मतलब अपने वो पूरी लाइफ जी चुकी थी, लेकिन फिर भी तकलीफ तो होता है ना। अब नीम का पत्ती खा के फिर जाके कुछ खाना होगा शायद, तो है ना, ये दिन किसी को देखना ना पड़े। लेकिन ये तो जी और जीवन का एकदम तगड़ा वाला सच है, ऐसा होगा ही होगा, और इसे बर्दाश्त करना वो करना बहुत मुश्किल काम है। बेटा जो ये मिला है खाने को, जो कि बगल के घर से आया है, ये खाता है, दिन रात रहना पड़ेगा। और मम्मी को तो बहुत ज़रूरी है ये खाना है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे ना तो उनका बीपी लो हो जाएगा, तो उनको खाना है, ज़्यादा करके खाना है उनको। किसी का खाने का मन नहीं है लेकिन सबको खाना पड़ रहा है। अभी खाइए, अभी को जस्ट बाहर से आया, मतलब अभी मतलब वेट कर रहे थे बाहर, सब लोग बैठ गए मतलब बैठ के कि पापा अब आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया घर पे। हमको लगता है बहुत मतलब रात हो जाएगा, मतलब 9:30 ना शायद, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग बिल्कुल एकदम टेंशन में, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बस आज का रात थोड़ा सा पीछे है, क्या पता थोड़ा सा मतलब कि वो महसूस हो, बट दादी चली गई, टेंशन सा हो गया दिमाग, क्योंकि कल रात भी हम लोग जा गए थे और से एकदम, और आज रात क्या पता सोने से कुछ मन हल्का हो जाए, बट बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें, आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे रहेंगे। पता है हमारा थोड़ा सा हिम्मत नहीं हुआ कि वहाँ पे हम कैमरा उठा के मतलब वो ले ले, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ। वो जो किया उसे नहीं किया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वो करें। बोलने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम बंद हो गया है। और इसीलिए कल मैंने कमेंट का रिप्लाई भी नहीं किया था, क्योंकि शाम को ना इनका भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम यहाँ से गए थे 9 बजे, 9 बजे ना मैं 9 बजे गए थे वहाँ पे
मतलब कि चौराहा पे दवाई लाने के लिए, सब दुकान बंद, सब दुकान बंद। बड़ी मुश्किल से एक दुकान खुलवा के दवाई लेके आए, फिर इनके आँख में डाले हम, तब जाके चांसेस हुई। फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं खत्म। राम राम जी।